जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण। परम पूज्य महंत स्वामी जी, पूज्य संतगण, गवर्नर श्री, मुख्यमंत्री श्री और उपस्थित सभी सत्संगी परिवारजन, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में साक्षी बनने का, साथी बनने का और सत्संगी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतने बड़े स्तर पर और एक महीने भर चलने वाला एक कार्यक्रम, और मैं नहीं मानता हूं ये कार्यक्रम सिर्फ संख्या के हिसाब से बड़ा है, समय के हिसाब से काफी लंबा है, लेकिन यहां जितना समय मैंने बिताया मुझे लगता है कि हां एक दिव्यता की अनुभूति है। यहां संकल्पों की भव्यता है, यहां अबाल वृद्ध सबके लिए हमारी विरासत क्या है, हमारी धरोहर क्या है, हमारी आस्था क्या है, हमारा अध्यात्म क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, इन सबको इस परिसर में समेटा हुआ है। यहां भारत का हर रंग दिखता है। मैं इस अवसर पर सभी पूज्य संतगण को इस आयोजन के लिए, कल्पना सामर्थ्य के लिए और उस कल्पना को चरितार्थ करने के लिए जो पुरुषार्थ किया है, मैं उन सब की चरण वंदना करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और पूज्य महंत स्वामी जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा भव्य आयोजन और ये देश और दुनिया को आकर्षित करेगा, इतना ही नहीं है, ये प्रभावित करेगा, ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। पंद्रह जनवरी तक पूरी दुनिया से लाखों लोग मेरे पिता तुल्य पूज्य प्रमुख स्वामी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यहां पधारने वाले हैं। आप में से शायद बहुत लोगों को पता होगा, यूएन में भी, संयुक्त राष्ट्र में भी प्रमुख स्वामी जी के शताब्दी समारोह मनाया गया और ये इस बात का सबूत है कि उनके विचार कितने शाश्वत हैं,
कितने सार्वभौमिक है और जो हमारी महान परंपरा संतों के द्वारा प्रस्थापित वेद से विवेकानंद तक जिस धारा को प्रमुख स्वामी जैसे महान संतों ने आगे बढ़ाया वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना आज शताब्दी समारोह में उसके भी दर्शन हो रहे हैं। ये जो नगर बनाया गया है यहां हमारे हजारों वर्ष की हमारी महान संत परंपरा समृद्ध संत परंपरा उसके दर्शन एक साथ हो रहे हैं। हमारी संत परंपरा किसी मत पंथ आचार विचार सिर्फ उसको फैलाने तक सीमित नहीं रही है। हमारे संतों ने पूरे विश्व को जोड़ने वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत भाव को सशक्त किया है और मेरा सौभाग्य है अभी ब्रह्म विहारी जी स्वामी कुछ न अंदर की बातें भी बता दे रहे हैं। बाल्यकाल से ही एक मेरे मन में कुछ ऐसे ही क्षेत्रों में आकर्षण रहा तो प्रमुख स्वामी जी के भी दूर से दर्शन करते रहते थे। कभी कल्पना नहीं थी उन तक निकट पहुंचेंगे लेकिन अच्छा लगता था। दूर से भी दर्शन करने का मौका मिलता तो अच्छा लगता था। आयु भी बहुत छोटी थी लेकिन जिज्ञासा बढ़ती जाती थी। कई वर्षों के बाद शायद 1981 में मुझे पहली बार अकेले में उनके साथ सत्संग करने का सौभाग्य मिला। और मेरे लिए सरप्राइज था कि उनको मेरे विषय में थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने इकट्ठी करके रखी थी और पूरा समय न कोई धर्म की चर्चा न कोई ईश्वर की चर्चा न कोई अध्यात्म की चर्चा कुछ नहीं। पूरी तरह सेवा मानव सेवा इन्हीं विषयों पर बातें करते रहे। वो मेरी पहली मुलाकात थी और एक एक शब्द मेरे हृदय पटल पर अंकित होता जा रहा था और उनका एक ही संदेश था कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य सेवा ही होना चाहिए। अंतिम सांस तक सेवा में छूटे रहना चाहिए। हमारे यहां तो शास्त्र कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। जीव में ही शिव है। लेकिन बड़ी बड़ी आध्यात्मिक चर्चा को बहुत ही सरल शब्दों में समाहित करते जैसा व्यक्ति वैसा ही वो परोसते थे जितना वो पचा सके जितना वो ले सके। अब्दुल कलाम जी इतने बड़े वैज्ञानिक उनको भी उनसे मिलकर के कुछ न कुछ मिलता था और संतोष होता था और मेरे जैसा एक सामान्य सोशल वर्कर वो भी जाता था उसको भी कुछ मिलता था संतोष होता था। ये उनके व्यक्तित्व की विशालता थी व्यापकता थी गहराई थी। और एक आध्यात्मिक संत के नाते तो बहुत कुछ आप कह सकते हैं जान सकते हैं लेकिन मेरे मन में हमेशा रहा है कि वे सच्चे अर्थ में एक समाज सुधारक थे। वे एक रिफॉर्मिस्ट थे और
हम जब उनको अपने अपने तरीके से याद करते हैं, लेकिन एक तार मुझे जो हमेशा नजर आता है, हो सकता है उस माला में अलग अलग मणके हमके नजर आते, मोती नजर आते होंगे, लेकिन अंदर का जो तार है वह एक प्रकार से मनुष्य कैसा हो, भविष्य कैसा हो, व्यवस्थाओं में परिवर्तनशीलता क्यों हो, अधिष्ठान आदर्शों से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आधुनिकता के सपने आधुनिकता की हर चीज को स्वीकार करने वाले हो, एक अद्भुत संयोग, एक अद्भुत संगम। उनका तरीका भी बड़ा अनूठा था। उन्होंने हमेशा लोगों के भीतर की अच्छाई को प्रोत्साहित किया। कभी ये नहीं कहा भाई तुम है ऐसा करो ईश्वर का नाम लो ठीक हो जाएगा, नहीं, होगी तुम्हारी कमियां, होगी मुसीबत होगी, लेकिन तेरे अंदर ये अच्छाई है, तुम उस पर ध्यान केंद्रित करो, और उसी शक्ति को वो समर्थन देते थे, खाद पानी डालते थे। आपके भीतर की अच्छाइयां ही आपके अंदर आ रही पनप रही बुराइयों को वहीं पर खत्म कर देगी, ऐसा एक उच्च विचार और सहज शब्दों में वो हमें बताते रहते थे। और इसी माध्यम को उन्होंने एक प्रकार से मनुष्य के संस्कार करने का, संस्कारित करने का, परिवर्तित करने का माध्यम बनाया। सदियों पुरानी बुराइयां जो हमारे समाज जीवन में ऊंच नीच भेदभाव, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया, और उनकी व्यक्तिगत स्पर्श रहता था और उसके कारण ये संभव होता था। मदद सबकी करना, चिंता सबकी करना, समय सामान्य रहा हो या फिर चुनौती का काल रहा हो, पूज्य प्रमुख स्वामी जी ने समाज हित के लिए हमेशा सबको प्रेरित किया, आगे रह करके, आगे बढ़कर के योगदान दिया। जब मोरबी में पहली बार मच्छू डैम की तकलीफ हुई, मैं वहां वॉलेंटियर के रूप में काम करता था, हमारे प्रमुख स्वामी कुछ संत उनके साथ सत्संगी सबको उन्होंने भेज दिया था, और वो भी वहां हमारे साथ मिट्टी उठाने में काम में लग गए थे, डेड बॉडीज का अग्नि संस्कार करने में काम में लगे थे। याद है 2012 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मैं उनके पास गया। आमतौर पर मैं मेरे जीवन के जो भी कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए होंगे प्रमुख स्वामी के पास अवश्य गया, शायद बहुत लोग कम लोगों को पता होगा मैं 2002 का चुनाव लड़ रहा था। पहली बार मैं मुझे चुनाव लड़ना था, पहली बार नामांकन भरना था, और राजकोट से मैं उम्मीदवार हो रहा था, तो वहां दो संत मौजूद थे। मैं जब वहां गया तो उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिया, मैंने खोला तो अंदर एक पेन थी। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी ने भेजा है, आप जब नामांकन में हस्ताक्षर करेंगे तो इस पेन से करना। अब वहां से लेकर मैं काशी चुनाव के लिए गया, एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जब मैं नामांकन करने गया और उसके लिए मुझे हस्ताक्षर करने के लिए पेन पूज्य प्रमुख स्वामी जी के व्यक्ति आकर के खड़े न हुआ। और जब काशी गया तब तो मेरे लिए सरप्राइज था कि उस पेन का जो कलर था वो बीजेपी के झंडे के कलर का था, ढंकन उसका जो था वो ग्रीन कलर का था और नीचे का हिस्सा ऑरेंज कलर का था। मतलब पहले कई दिनों से उन्होंने संभाल के रखा होगा, और याद कर करके उसी रंग की पेन मुझे भेजना,
यानी व्यक्तिगत रूप से, वरना उनका कोई क्षेत्र नहीं था कि मेरी इतनी केयर कर रहा। शायद बहुत लोगों का आश्चर्य होगा सुनकर के, 40 साल में शायद एक साल ऐसा नहीं गया होगा कि हर वर्ष प्रमुख स्वामी जी ने मेरे लिए कुर्ता पैजामा का कपड़ा न भेजा हो। और ये मेरा सौभाग्य है। और हम जानते हैं बेटा कुछ भी बन जाए, कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन माँ बाप के लिए तो बच्चा ही होता है। देश ने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन जो परंपरा प्रमुख स्वामी चलाते थे, पूज्य भगत स्वामी देवी, अब तक वो कपड़ा भेजना चालू है। यानी ये अपनापन, और मैं नहीं मानता हूं कि संस्थागत पीआरसीप का काम है, नहीं, एक आध्यात्मिक नाता था, एक पिता पुत्र का स्नेह था, एक अटूट बंधन है। और आज भी वो जहां है होंगे, मेरे हर पल को वो नजर करते होंगे, देखते होंगे। बारीकी से मेरे काम को जानते होंगे। उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, क्या मैं उसी राह पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, वो जरूर देखते होंगे। कच्छ में भूकंप, जब मैं वॉलंटियर के रूप में कच्छ में काम करता था, तब तो मेरा मुख्यमंत्री का कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन वहां सभी संत मुझे मिले, तो सबसे पहले, भाई तुम्हारी खाने की क्या व्यवस्था है? मैंने कहा मैं तो अपने कार्यकर्ताओं के यहां पहुंच जाऊंगा। नहीं, बोले तुम कहीं पर भी जाओ, तुम्हारे लिए यहां भोजन रहेगा, रात को देर से आओगे तो भी खाना यहीं खाओ। यानी मैं जब तक भूज में काम करता रहा, मेरी खाने की चिंता प्रमुख स्वामी ने संतों को कह दिया होगा, दे पीछे पड़े रहते थे मेरे। यानी इतना स्नेह, इतना। और मैं ये सारी बातें कोई आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहा हूं जी, मैं तो एक सहज सामान्य व्यवहार की बातें कर रहा हूं आप लोगों के साथ। जीवन के कठिन से कठिन पलों में शायद ही कोई ऐसा मौका होगा कि जब प्रमुख स्वामी ने खुद ने होकर के मुझे बुलाया ना हो, या मेरे से फोन पे बात न की हो, शायद ही कोई घटना होगी। मुझे याद है, मैं वैसे अभी वीडियो दिखा रहे थे, उसमें उसका उल्लेख था, 91-92 मैं श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए मेरी पार्टी की तरफ से एकता यात्रा की योजना हुई थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में वो यात्रा चल रही थी और मैं उसकी व्यवस्था देखता था। जाने से पहले मैं प्रमुख स्वामी जी के आशीर्वाद लेके गया था, तो उनको पता था कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। हम पंजाब से जा रहे थे तो हमारी यात्रा के साथ आतंकवादियों की भीड़ हो गई, हमारे कुछ साथी मारे गए। पूरे देश में बड़ी चिंता का विषय था कि गोलियां चली, काफी लोग मारे गए थे। और फिर वहीं से हम जम्मू पहुंच रहे थे, हम श्रीनगर लाल चौक तिरंगा झंडा फहराया। लेकिन जैसा ही मैंने जम्मू में लैंड किया, सबसे पहला फोन प्रमुख स्वामी जी का। और मैं कुशल तो हूं ना, चलिए ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें, आओगे तो फिर मिलते हैं, सुनेंगे तुमसे कुछ क्या हुआ। सहज सरल, मैं मुख्यमंत्री बन गया। अक्षरधाम के सामने ही 20 मीटर की दूरी पर मेरा घर, जहां सीएम निवास था, तो मैं वहां रहता था। और मेरा आने जाने का रास्ता भी ऐसा
कि जैसे ही निकलता था तो पहले अक्षरधाम शिखर के दर्शन करके ही मैं आगे जाता था। तो सहज नित्य नाता, और अक्षरधाम पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया तो मैंने प्रमुख स्वामी जी को फोन किया, इतना बड़ा हमला हुआ है, इतने लोगों, मैं हैरान था जी, हमला अक्षरधाम पे हुआ है, संतों पर क्या बीती होगी, गोलियां चली नहीं चली, किसको क्या, सारी चिंता का विषय था, क्योंकि एकदम से धुंधला सा वातावरण था। ऐसी संकट की घड़ी में इतना बड़ा आतंकी हमला, इतने लोग मारे गए थे, प्रमुख स्वामी जी ने मुझे कहा फोन किया तो, अरे भाई तेरा घर तो सामने ही है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है ना? अरे मैंने कहा बापा, इस संकट की घड़ी में आप इतनी स्वस्थता पूर्वक मेरी चिंता कर रहे हैं? उन्होंने कहा देख भाई, ईश्वर पे भरोसा करो, सब अच्छा होगा, ईश्वर सत्य के साथ होता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, ऐसी स्थिति में मानसिक संतुलन, स्वस्थता, ये भीतर की गहन आध्यात्मिक शक्ति के बिना संभव नहीं है जी। जो प्रमुख स्वामी ने अपने गुरुजनों से और अपनी तपस्या से सिद्ध की थी। और मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, हम लोगों को, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए पिता के समान थे, आप लोगों को लगता होगा हम आपके गुरु थे, लेकिन मुझे एक और बात की तरफ मुझे ध्यान जाता है, और जब दिल्ली अक्षरधाम बना तब मैंने इस बात का उल्लेख भी किया था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि योगी जी महाराज की इच्छा थी कि यमुना के तट पे अक्षरधाम का होना जरूरी है। अब उन्होंने तो बातों बातों में, योगी जी महाराज के मुंह से निकला होगा, लेकिन वो शिष्य देखिए जो अपने गुरु के इन शब्दों को जीता रहा। योगी जी तो नहीं रहे, लेकिन वो योगी जी के शब्दों को जीता रहा, क्योंकि योगी जी के सामने प्रमुख स्वामी शिष्य थे। हम लोगों को गुरु के रूप में उनकी ताकत दिखती है, लेकिन मुझे एक शिष्य के रूप में उनकी ताकत दिखती है कि अपने गुरु के उस शब्द को उन्होंने जीकर दिखाया, और यमुना के तट पर अक्षरधाम बना करके आज पूरे दुनिया के लोग आते हैं तो अक्षरधाम के माध्यम से भारत की महान विरासत को समझने का प्रयास करते हैं। ये एक युग के लिए किया हुआ काम है, ये युग को प्रेरणा देने वाला काम है। आज विश्व में कहीं पर भी जाइए, मंदिर हमारे यहां कोई नई चीज नहीं है, हजारों साल से मंदिर बनते रहे हैं, लेकिन हमारी मंदिर परंपरा को आधुनिक बनाना, मंदिर व्यवस्थाओं को आध्यात्मिकता और आधुनिकता को मिलन करना, मैं समझता हूं कि एक बड़ी परंपरा प्रमुख स्वामी जी ने प्रस्थापित की। बहुत लोग हमारी संत परंपरा के बड़े नई पीढ़ी के दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या कुछ भर दिया जाता है। ऐसा ही मानते हैं, पहले के तो जमाने में कहावत चलती थी, मुझे माफ करना सब सत्संगी लोग, पहले से कहा था भाई साधु बनना है तो संत स्वामीनारायण के बनो, फिर लड्डू बताते थे। यही कथा चलती थी, साधु बनना है तो स्वामीनारायण का बनो, मौज रहेगी। लेकिन प्रमुख स्वामी ने संत परंपरा को जिस प्रकार से पूरी तरह बदल डाला, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन के द्वारा सन्यस्त जीवन को सेवा भाव के लिए एक बहुत बड़ा विस्तार दिया, प्रमुख स्वामी जी ने भी संत यानी सिर्फ स्व के कल्याण के लिए नहीं है, संत समाज के कल्याण के लिए हैं, और हर संत को उस लिए उन्होंने तैयार किया। यहां बैठे हुए हर संत किसी न किसी सामाजिक कार्य से निकल करके आए हैं, और आज भी कोई न कोई सामाजिक कार्य का काम उनके जिम्मा है।
सिर्फ आशीर्वाद देना और तुमको मोक्ष मिल जाए, ये नहीं है। जंगलों में जाते हैं, आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं। ये प्राकृतिक आपदा हुई तो वॉलंटियर के रूप में जीवन खपा देते हैं, और ये परंपरा खड़ी करने में पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। वे जितना समय और शक्ति और प्रेरणा देते थे मंदिरों के माध्यम से विश्व में हमारी पहचान बने, उतना ही सामर्थ्य वे संतों के विकास के लिए करते थे। प्रमुख स्वामी जी चाहते तो गांधीनगर में रह सकते थे, अहमदाबाद में रह सकते थे, बड़े शहर में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर सारंगपुर में अपना समय बिताना पसंद किया, यहां से 80-90 किलोमीटर दूर। और वहां क्या किया, उन्होंने संतों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे बल दिया। और मैं तो आज मुझे कोई भी अखाड़े के लोग मिलते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि आप 2 दिन के लिए सारंगपुर जाइए, संतों की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे महात्मा कैसे होने चाहिए, साधु महात्मा कैसे होने चाहिए, ये देख करके। और जाते हैं, और वो जाते हैं देख करके आते हैं। यानी आधुनिकता, उसमें लैंग्वेज भी सिखाते हैं, अंग्रेजी भाषा सिखाते हैं, संस्कृत भी सिखाते हैं, विज्ञान भी सिखाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल परंपराओं भी सिखाई जाती है। यानी एक संपूर्ण प्रयास विकास कर करके समाज में संत भी ऐसा होना चाहिए जो सामर्थ्यवान होना चाहिए। सिर्फ त्यागी होना जरूरी, इतने से बात बनेगी नहीं, त्याग तो हो लेकिन समर्थ होना चाहिए। और उन्होंने पूरी संत परंपरा जो पैदा की है, जैसे उन्होंने अक्षरधाम मंदिरों के द्वारा विश्व में एक हमारी भारत की महान परंपरा को परिचित करवाने के लिए एक माध्यम बनाया है, वैसे उत्तम प्रकार की संत परंपरा के निर्माण में भी पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा किया है। वो व्यक्तिगत व्यवस्था के तहत नहीं, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा किया है, इसलिए शताब्दियों तक व्यक्ति आएंगे जाएंगे, संत नए नए आएंगे, लेकिन ये व्यवस्था ऐसी बनी है कि एक नई परंपरा की पीढ़ियां बनने वाली हैं, ये मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। और मेरा अनुभव है वो देवभक्ति और देशभक्ति में फर्क नहीं करते थे। देवभक्ति के लिए जीते हैं आप, देशभक्ति के लिए जीते हैं तो उनको लगता है मेरे लिए तो दोनों सत्संगी हुआ करते हैं। देवभक्ति के लिए जीने वाला भी सत्संगी है, देशभक्ति के लिए भी जीने वाला सत्संगी होता है। आज प्रमुख स्वामी जी की इस शताब्दी का समारोह हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा का कारण बनेगा, एक जिज्ञासा जगेगी। आज के युग में भी, और आप प्रमुख स्वामी जी के डिटेल में जाइए, कोई बड़े बड़े तकलीफ हो ऐसे कोई उपदेश नहीं दिए उन्होंने, सरल बातें की, सहज जीवन की उपयोगी बातें बताई, और इतने बड़े समूह को जोड़ा। मुझे बताया गया 80,000 वॉलेंटियर्स हैं। अभी हम आ रहे थे तो प्रमुख स्वामी मुझे, हमारे ब्रह्मवारी जी मुझे बता रहे थे कि ये सारे स्वयंसेवक हैं और वो प्रधानमंत्री जी को गीट कर रहे हैं। मैंने कहा आप भी तो कमाल आदमी हो यार, भूल गए क्या? मैंने कहा वो स्वयंसेवक है, मैं भी स्वयंसेवक हूं, हम दोनों एक दूसरे को हाथ कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप 80,000 में एक और जोड़ दीजिए। खैर बहुत कुछ कहने को है, पुरानी स्मृतियां इतनी आज मन को छू रही है, लेकिन मुझे हमेशा प्रमुख स्वामी की कमी महसूस होती रही है। और मैं कभी उनके पास कोई बड़ा ज्ञानार्थ कभी नहीं किया मैंने, ऐसे अच्छा लगता था, जाके बैठना अच्छा लगता था, जैसे पेड़ के नीचे बैठते थके हुए हो, पेड़ के नीचे बैठते हो, कितना अच्छा लगता है। अब पैर थोड़ा हम क्योंकि भाषण देता है, मैं प्रमुख स्वामी के पास बैठता था ऐसा ही लगता था जी, एक वट वृक्ष की छाया में बैठा हूं।
एक ज्ञान के भंडार के चरणों में बैठा हूं। पता नहीं मैं इस चीजों को कभी लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मेरे अंतर मन की जो यात्रा है वो यात्रा का बंधन ऐसी संत परंपरा से रहा हुआ है, आध्यात्मिक परंपरा से रहा हुआ है, और उसमें पूज्य योगी जी महाराज, पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और आज पूज्य महंत स्वामी महाराज। बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे ऐसे सात्विक वातावरण में, तामसिक जगत के बीच में अपने आप को बचा करके काम करने का ताकत मिलती रहती है, एक निरंतर प्रभाव मिलता रहता है, और इसी के कारण राजसी भी नहीं बनना है, तामसी भी नहीं बनना है, सात्विक बनते हुए चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय स्वामीनारायण।